देवभूमि प्रणाम। मैं अंजना ठाकुर हाजिर हूं ताज़ा खबरों के साथ। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। मनाली लेह मार्ग पर मीलों लंबा जाम लगा, परेशान रहे जाम में फंसे पर्यटक और सैनिक। मोदी के करीबी वीर रंजन बने कांगड़ा के एसपी। परमार बोले, हर जिले में होगा बड़ा अस्पताल। हिमाचल के सेक्रेटरिएट की नई भर्तियां रुकी। जाते जाते आचार्य देवव्रत ने सरकार और विपक्षी दल की खूब तारीफ की। अब समाचार विस्तार से। मनाली लेह मार्ग पर घंटों फंसे रहे सैनिक और पर्यटक। वाहनों की रफ्तार थम जाने से वाहनों में फंसे पर्यटकों सहित सेना के जवानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मोदी के करीबी वीर रंजन बने कांगड़ा के एसपी। उन्होंने कहा कि हिमाचल के सबसे बड़े जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। परमार बोले, हर जिले में होगा बड़ा अस्पताल। हिमाचल के 12 जिलों में संपूर्ण अस्पताल स्थापित होंगे। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने एक कार्यक्रम के दौरान दी। हिमाचल सेक्रेटरिएट की नई भर्तियां रुकी, आवेदन करने वालों की फीस वापस कर दी जाएगी। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपनिदेशक लोक संपर्क एवं प्रोटोकॉल अधिकारी हरदयाल भारद्वाज ने दी। आचार्य देवव्रत की विदाई पर आयोजित समारोह में सीएम जयराम ठाकुर सहित कई बड़े राजनेता व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस मौके पर आचार्य ने सत्ता पक्ष और विपक्षी दल के नेताओं की तारीफ की और कहा, प्रदेश की प्रगति के काम में सभी ने भरपूर सहयोग दिया। तो ये थी आज के समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। देवभूमि प्रणाम।